सब्सक्राइब करें ट्रैवल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है 2019 की और आज है 1 जनवरी। और दोस्तों कुछ ही दिनों पहले हॉनर ने लॉन्च किया था अपना एक फिटनेस एक्टिविटी डिवाइस हॉनर बैंड 4 और ये रहा मेरे हाथ में। और दोस्तों आज इस वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, जानेंगे इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, इसके बॉक्स कंटेंट कितना डिफरेंट है ये ऑनर बैंड 3 से, ये सब कुछ सवालों के जवाब जो है हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आज है 1 जनवरी तो हम करेंगे इस बैंड के साथ कुछ स्पेशल, क्योंकि आप में से कोई एक लकी सब्सक्राइबर जीत सकता है इस वॉच को। तो आपको किस तरह से इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आखिर में। तो फिलहाल हम करते हैं इसको अनबॉक्स। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नसीरुद्दीन शेख और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेक चैनल। तो दोस्तों बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कुछ इस तरह का बॉक्स है जहां पर आपको सामने दिख जाएगा हॉनर बैंड 4 एमोलेड टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ। और यहां पर है कुछ इसके हाइलाइट्स जहां पर हमें सबसे पहले दिखता है एमोलेड डिस्प्ले और हार्ट रेट मॉनिटरिंग। यहां पर आपको स्लीप मॉनिटरिंग भी मिल जाएगा और स्विम स्ट्रोक रिकॉग्नाइजेशन भी यहां पर अवेलेबल है। और अगर यहां मैं अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो है 2,999 रुपये, जो कि बॉक्स पे MRP मेंशन है, बट इजीली आपको 2,500 के आसपास मिल जाएगी ऑनलाइन। और यहां पर बॉक्स के पीछे भी कुछ हाइलाइट्स अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं रखता हूँ इन सबको साइड में और ओपन करता हूँ इस बॉक्स को यहाँ से। तो जो सबसे पहले जो हमें चीज़ दिख जाएगी वो है कुछ इस तरह का बॉक्स अंदर से। और यहाँ पर नीचे की तरफ हमें मिल जाएंगे क्विक स्टार्ट गाइड और उसी के साथ में है वारंटी कार्ड। और अच्छी बात ये है कि ये सारे जो है इंग्लिश वेरिएंट है, यानी कि जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने इसे परचेस किया था अमेज़ॉन से। उसके बाद अंदर हमें मिल जाता है एक चार्जिंग केबल जो कि होने वाला है आई थिंक USB 2 micro USB। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, हाँ यहाँ पर है USB 2 micro USB चार्जिंग केबल, यानी कि आप इसे नॉर्मल कोई भी चार्जिंग अडेप्टर के साथ इसे कनेक्ट करके अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो बॉक्स में है हमारा चार्जिंग डॉक और ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ पर जो है हमारा मेन कंटेंट हॉनर बैंड 4 तो कुछ इस तरह की है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मैं इसे निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। तो अगर मैं दोस्तों बैंड की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे एक प्रीमियम फील है और ये आता है पिंक कलर में। और यहाँ पर जो बैंड की क्वालिटी भी स्ट्रैप वगैरह जो है काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी का है, एक प्रीमियम फील है यहाँ पर इस बैंड को की अगर मैं बात करूँ। दोस्तों बात करते हैं इसके फिजिकल लोगोव्यू की। तो सबसे पहले जो आपको दिख जाता है यहाँ पर 0.95 इंचेस का एक एमोलेड टच डिस्प्ले जो कि है पूरा टच स्क्रीन। और अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ यहाँ पर तो ये 43 mm by 17.2 mm है। और अगर मैं थिकनेस की बात करूँ यहाँ से तो ये आता है 11.5 mm। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो काफ़ी लाइट वेट है, अराउंड 23 ग्राम का ये वॉच है। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर हाथ में आप पहनो तो एक अच्छा फील देगा आपको। और दोस्तों इसी के साथ ये आता है वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट के साथ, आप इसे अंडर वाटर 5 ATM तक यूज़ कर सकते हो। NFC पेमेंट का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। और जो अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर बैटरी आपको मिल जाती है 100 mAh की, जो कि चलती है लगभग 14 दिन तक। लेकिन अगर आपने सारी नोटिफिकेशन अपने फ़ोन की इसके अंदर आपने ऑन रखी है, इसमें एनेबल रखी है, तो मे बी शायद आपको 14 डेज का बैटरी जो बैकअप है ना मिल पाए। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम नोटिफिकेशन रखिए ताकि आप इसकी बैटरी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा दिन एंजॉय कर सकें। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ 4.2 LE कंपेटेबल विथ एंड्रॉयड 4.4 और लेटर। और इसे आप अपने एप्पल आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, iOS 9.0 या उसके बाद का कोई वर्जन। और दोस्तों साथ ही में आपको यहाँ पर मिल जाता है पेडोमीटर, स्लीप ट्रैकर, एक्सरसाइज ट्रैकर, सेडेंटरी रिमाइंडर,
और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको 6 एक्सिस इंफ्रारेड वेयरिंग डिटेक्शन सेंसर मिलता है जो कि मॉनिटर करता है आपकी सारी फिटनेस एक्टिविटी को, जिसमें हो गया आपका हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर और जो है आपका स्टेप काउंट, जो सारी चीज़ें हैं वो यहीं से मॉनिटर होती है। उसके बाद जो आप बेल्ट देख सकते हो यहाँ पे, ये टोटली डिटैचेबल बेल्ट है, यानी आप इसे निकाल नहीं सकते हो यहाँ से, तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अदर फिटनेस डिवाइस में आपको इस डिवाइस को बैंड से अलग करना होता है चार्ज करने के लिए, बट यहाँ पे इस केस में आप चार्ज कर सकते हो यहीं से बिना इसे बेल्ट से अलग किए हुए, वो इस चार्जिंग डॉक की मदद से। और दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है और आप इसे चार्ज कर सकते हैं इस चार्जिंग डॉक की मदद से, तो बस आपको करना है इसे कनेक्ट इस तरह से और ये रेडी है डिवाइस चार्ज होने के लिए। और आपको आपका चार्जिंग केबल लगाना है यहाँ पर, मैं एक बार वापस से इसे निकाल कर लगा के बता देता हूँ, क्योंकि ये है एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और इसे आप किसी भी नॉर्मल चार्जर अडेप्टर में कनेक्ट करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसे आप अपने पीसी और लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर इसे आपको बैंड से अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ऑनर का बैंड 4 आता है 3 डिफरेंट कलर में, ब्लैक, ब्लू एंड पिंक, और मैंने इस बार चूज़ किया है पिंक का ऑप्शन, क्योंकि इससे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑनर का बैंड 3 जो कि है ब्लू कलर के ऑप्शन में, इसीलिए मैंने इस बार इसे चूज़ किया है पिंक के ऑप्शन में। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ और कनेक्ट करता हूँ इसे अपने डिवाइस के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वॉच को स्टार्ट करने के लिए आपको कनेक्ट करना होता है अपना चार्जर, और जैसे ही आप अपना चार्जर कनेक्ट करते हैं सामने ये स्क्रीन आ जाती है जहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल हुआवे हेल्थ, यानी कि मुझे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है ये हुआवे हेल्थ ऐप को अपने फ़ोन के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं जाऊँगा मी सेक्शन में, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर माय डिवाइस में ऐड का ऑप्शन, और जैसे ही मैं ऐड का ऑप्शन करता हूँ यहाँ पर मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वॉच के ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है स्मार्ट बैंड, तो मैं स्मार्ट बैंड को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑनर बैंड 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ, और उसके बाद मैं इसे पैर कर देता हूँ, तो ये पैर हो रहा है अभी यहाँ पर। ओके इनेबल, तो ये लोकेशन सर्विस को इनेबल करने के लिए पूछ रहा है, तो मैंने कर दिया इसे इनेबल, और यहाँ पर हो रहा है ये सर्चिंग, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ गया ऑनर बैंड 4 का, तो मैं इसे कर देता हूँ टच, और अब ये पैर हो, और अब ये पैर हो रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर सिर्फ इस ओके को टच करना है तो ये पैर हो जाएगा मेरे फ़ोन के साथ, तो मैंने किया इसे ओके, और ये वॉच अब रेडी है मेरे फ़ोन के साथ यूज़ करने के लिए। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आता है कलर स्क्रीन के साथ, और ये पूरा टच स्क्रीन है। अगर मैं बात करता हूँ ऑनर बैंड 3 की, तो ये सिर्फ यही बटन काम करता है यहाँ पर, बट ऑनर बैंड 4 के केस में आप इसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो इसका पूरा स्क्रीन है ये वो टच है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और दोस्तों जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया है मेरे ऐप के साथ, तो यहाँ पर ये वॉच हो रही है अपडेट, और मैं कुछ देर का इंतज़ार कर लेता हूँ कि इसके पूरे अपडेट होने तक। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये अपडेट हो चुकी है पूरी तरह से, 100% कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो अभी मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये हो गई वॉच रेडी यूज़ करने के लिए। मैं कर देता हूँ यहाँ पर डन अलाउ, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर यूआई है ऑनर बैंड 4 ऐप का, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की नोटिफिकेशन सेटिंग्स, अलग अलग जो है फिटनेस एक्टिविटी ट्रैकर यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हुआवे ट्रू स्लीप जो कि है एक स्लीप ट्रैकर, जो बताता है कि आपने कितना जो है टाइम आपने स्पेंड किया स्लीप में। और ये अच्छी बात होती है कि यहाँ पर आपको सारी जो आपकी स्लीप की एक्टिविटी है वो पता चल जाती है कि कितना टाइम आप डीप स्लीप में थे, कितना टाइम आप नॉर्मल स्लीप में थे। उसके बाद यहाँ पर है अलार्म का ऑप्शन, डू नॉट डिस्टर्ब, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं, अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं इस फिटनेस डिवाइस पे। और कनेक्टिविटी यहाँ पर है ब्लूटूथ, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है मेरा एंड्रॉयड फ़ोन, क्योंकि मैं एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, बट आप अगर एक एप्पल यूज़र है तो आप इस वॉच को एप्पल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो 9.0 या उसके अबव
होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड में ये होना चाहिए 4.4 के ऊपर। तो ये जो फिटनेस डिवाइस है यह पूरी तरह से तैयार है यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये स्मार्ट बैंड तैयार है पूरी तरह से यूज़ करने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्टेप काउंटर अभी ज़ीरो है क्योंकि मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। इसके बाद जो है हार्ट रेट मॉनिटर है, तो मैं यहाँ पे इसे टच करके आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर ऑन हो चुका है यहाँ पर। तो मैं अभी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मेरा करंट हार्ट रेट जो है क्या है। तो ये अभी मेजर कर रहा है यहाँ पर, और जो करंट हार्ट रेट है वो है 92, अभी 85। तो कुछ इस तरह के जो चेंजेस आते रहते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख जाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर ओके स्लिप का, जो कि अभी ये मैंने यूज़ नहीं किया है इसका स्लिप मॉनिटर, इसलिए यहाँ पे 0 आवर 0 मिनट दिख रहा है। उसके बाद आप वर्कआउट जो करते हो वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे मोर के ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। फेसेस, जो कि किस तरह का फेस आप रखना चाहते हो इस वॉच में, वहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि ऑनर बैंड 3 में नहीं है ये ऑप्शन, तो मैं फ़िलहाल रख देता हूँ इसे। और दोस्तों उसके बाद जो हमें ऑप्शन मिल जाता है फाइंड माई फ़ोन का, अगर अपना फ़ोन आप कहीं पर भी रख कर भूल गए हैं तो आप बस यहाँ पर फाइंड माई फ़ोन पर टच कीजिए, या आपका फ़ोन जो है वो रिंगिंग चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी इसे स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर मोर में फाइंड माई फ़ोन, यहाँ पर टाइमर है, स्टॉप वॉच, आप ब्राइटनेस को यहाँ पर, ब्राइटनेस लेवल को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए आपके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन है, पावर ऑफ, रेगुलेटरी एंड अबाउट। अबाउट सेक्शन में यहाँ पर डिवाइस नेम ऑनर बैंड 4419, और यहाँ पर जो इसके मैक वर्जन है और जो SN वर्जन है उसकी सारी जो फॉर्मवेयर जो यूज़ किया है 1.0.1020, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद जो ऑप्शंस है वो है मैसेजेस का, तो जो भी आपके डिवाइस पे मैसेजेस आते हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसे देख पाओगे। और दोस्तों साथ ही आप यहाँ पर आपकी इनकमिंग कॉल्स को भी देख पाओगे, आपका जो कॉल्स आती हैं तो आप यहीं से उसे म्यूट या इसे डिसकनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई इनबिल्ट माइक नहीं है तो आप इससे बात नहीं कर पाओगे, बस आप इसे म्यूट या डिसकनेक्ट आप यहीं से कर सकते हो। तो अगर आप ज़्यादातर ड्राइविंग करते हो और स्पेशली अगर आप एक बाइक से ट्रैवल ज़्यादा करते हो तो एक आइडियल चीज़ है आपके लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट है ऑनर की तरफ से। तो दोस्तों फाइनली मैंने पहन लिया इस बैंड को और काफ़ी अच्छा एक फील आ रहा है यहाँ पर, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मेंटेन की है, और बस आपको इस तरह से फ्लिप करना है तो ये जो स्क्रीन जो है वो चालू हो जाएगी यहाँ पर आपको, यानी कि कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप मूवमेंट करते हो यहाँ पर ये स्क्रीन ऑन हो गई यहाँ पर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हालाँकि ये ऑप्शन ऑनर के बैंड 3 में भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर आपको कलर डिस्प्ले इंजॉय करने मिलता है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं एक अच्छा फील दे रहा है हाथ में, 2500 की प्राइस रेंज में इस तरह का प्रोडक्ट, तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है ऑनर ने। तो दोस्तों कुछ इस तरह का था ऑनर का बैंड 4, और मैं गिव अवे कॉन्टेस्ट की अगर बात करूं तो इसमें पार्टिसिपेट करना एकदम ही आसान है, सिंपल है, बस करना आपको यह है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक रैंडम कमेंट छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में, और कमेंट कुछ भी हो सकता है, आप इस वॉच के बारे में लिख सकते हो, इस चैनल के बारे में लिख सकते हो, आपको क्या बात अच्छी लगती है, क्या बात आपको पसंद नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मेहरबानी करके प्लीज़ कोई बैड वर्ड ना छोड़िएगा वहाँ पर। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एक और गिव अवे कॉन्टेस्ट एक्टिव है यहाँ पर रेडमी 2 का, मैं यहाँ पर इसकी आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जाके उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों ऑनर बैंड का जो है रिजल्ट मैं एक कमेंट को पिक करके अनाउंस करूँगा आज से तकरीबन कुछ 15 दिनों के बाद, यानी 15 जनवरी 2019 को। तो दोस्तों फिलहाल के आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे ऐसे ही मिलूंगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।